चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन रीड करो। क्वेश्चन क्या कह रहा है? अ कार मूव्स एट कॉन्स्टेंट स्पीड ऑन अ रोड एज शोन इन द फिगर। द नॉर्मल फोर्स एग्जर्टेड बाई द रोड ऑन द कार एन ए, ठीक है, एन बी है, ठीक है, नॉर्मल रिएक्शन दिया हुआ है। व्हेन इट इज एट द पॉइंट ए एंड बी रिस्पेक्टिवली, तो किसकी वैल्यू ज़्यादा होगी, नॉर्मल रिएक्शन किसका ज़्यादा होगा। तो सबसे पहले एक चीज़ याद रखो कि जैसे मैं इसको समझाने के लिए एक छोटा सा एग्जाम्पल लेके समझा दे रहा हूँ। जब आपकी एक कार चलती है सर्कुलर पाथ पे, ये उसका सेंटर है, ये सर्कुलर पाथ है, ये कार यहाँ पर है, मान लो इसको थोड़ा छोटा बना देते हैं, ये कार है आपकी, ठीक है, ये कार है, ठीक है, ये इधर मूव कर रही है, कार इधर नहीं आ रही, इधर जा रही है, इस तरफ मूव कर रही है। इसका मास अगर m है, ठीक है, तो mg ये फोर्स होगा इस, और इसको थोड़ा सीधा कर दें, सीधा नहीं बना, अर्थ के सेंटर के अलावा ऐसे मान लेते हैं, mg मास m है, ठीक है, और ये सेंटर के अलावा कंपोनेंट होगा, मान लेते हैं ये एंगल थीटा है, तो ये कंपोनेंट हो जाएगा mg cos थीटा, और रिएक्शन फोर्स ऊपर की तरफ लगेगा, नॉर्मल रिएक्शन आर मान लेते हैं ऊपर की तरफ, तो सेंट्रिपिटल फोर्स कौन प्रोवाइड करेगा, सेंट्रिपिटल फोर्स एम वी स्क्वायर बाई आर प्रोवाइड करेगा एम जी कॉस थीटा माइनस आर इज इक्वल टू एम वी स्क्वायर बाई आर, स्मॉल आर कर देते हैं इसको स्मॉल आर, ठीक है। अब रिएक्शन फोर्स की वैल्यू कितनी हुई, एम जी कॉस थीटा माइनस एम वी स्क्वायर बाई आर, ये हुई, करेक्ट है। तो अब इसमें जो रेडियस है, अगर तुम कंपेयर करो, यहाँ का रेडियस आर वन मान लेते हैं, यहाँ सर्कुलर पाथ का रेडियस बड़ा है आर टू, सो आर वन इज लेस देन आर टू, तो यहाँ पर आर जो है डिनोमिनेटर में है, तो जिसका आर छोटा होगा, जैसे एक आर छोटा है तो ये फ्रैक्शन बड़ा हो जाएगा, ये फ्रैक्शन बड़ा हो जाएगा तो सब्ट्रैक्ट होने वाला टर्म बड़ा हो गया, तो एम जी कॉस थीटा तो एक फिक्स वैल्यू है, लेकिन अगर ये टर्म बड़ा हो गया एक ही केस में तो ये वैल्यू पूरी छोटी हो जाएगी। तो जैसे एन ए की बात कर रहे हैं तो वो एन बी से छोटा हो जाएगा, क्योंकि एन बी यहाँ पर जो नॉर्मल रिएक्शन है उसका रेडियस बड़ा है, रेडियस बड़ा है तो ये टर्म छोटा हो जाएगा, छोटा तो सब्ट्रैक्ट छोटा होगा तो ये पूरा टर्म बड़ा होगा, इसीलिए एन ए इज ग्रेटर देन एन बी इज ग्रेटर देन एन ए, कौन सा ऑप्शन सही है, एन ए इज लेस देन एन बी या एन बी इज ग्रेटर देन एन ए, ये पॉइंट याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है, छोटा सा है लेकिन काम का है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं।